Students, today we are going to read the chapter 9, Thoughtful Birbal. One day Akbar and Birbal went for a long walk along the lake. It was a cold winter day. Suddenly Birbal said to the king, I think a man would do anything for money. Ek din ki baat hai, Raja Akbar aur Birbal dono tahalne gaye. लेक के किनारे तालाब के किनारे टहल रहे थे और काफ़ी ठंड का दिन था। अचानक बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज धीराज, मुझे लगता है एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जस्ट देन अकबर पुट हिज हैंड इनटू द लेक बट ही रिमूव्ड इट क्विकली बिकॉज द वाटर वॉज सो चिल्ड दैट इट मेड हिम शिवर। और तभी राजा ने अपना हाथ पानी में रखा, पानी के अंदर डाला, नदी तालाब के पानी के अंदर हाथ डाला और तुरंत हटा लिया। क्यों तुरंत हटा लिया? क्योंकि पानी काफ़ी ठंड था और जिसके कारण उनको अंदर तक कपकपी महसूस होने लगी। अकबर सेड, डू यू थिंक अ मैन वुड स्पेंड अ होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। कह राजा, अकबर कहते हैं, बीरबल तुम्हें क्या लगता है एक आदमी पैसे के लिए सारी रात इस ठंड में इस पानी में गुजार सकता है? मुझे तो नहीं ऐसा लगता है। बीरबल रिप्लाइड, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच पर्सन। बीरबल कहते हैं, मुझे तो लगता है और मैं ऐसा आदमी ढूंढ के भी दिखाऊंगा। अकबर, इफ़ यू फाइंड सच अ मैन एंड इफ ही स्टैंड्स इन द वाटर द होल नाइट आई विल गिव हिम 500 गोल्ड कॉइन्स। बीरबल सर्च्ड एंड ही फाउंड अ मैन हु वाज सो पुअर that he was ready to do anything for money. The man entered the lake. The Akbar placed guards near him to watch over him. Akbar कहा कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया और वो आदमी सारी रात पानी में गुजार दिया तो मैं उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ढूंढता है और उसे इत्तेफाक से एक आदमी भी मिल जाता है जो कि काफ़ी गरीब था और वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह आदमी नदी में तालाब में एंट्री किया, तालाब में प्रवेश किया। अकबर ने उस पर नज़र रखने के लिए अपने गार्ड्स को भी वहाँ लगा रखे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टुक द मैन टू अकबर। द मैन वॉज शिवरिंग। अगली सुबह जितने भी गार्ड थे, जितने भी पहरेदार थे, उस आदमी को अकबर के पास ले गए। अकबर वो आदमी ठंड के मारे काँप रहा था। अकबर आगसिन, Did you spend the night in the lake? The man nodded. Yes, your highness. I passed the whole night in the lake. Akbar puchta aashcharya se, kya tumne sari raat us talab mein guzari? Aadmi ne sir hilaya aur kaha, haan maharaja dhiraj, main sari raat us thand pani mein guzara. Akbar ne pucha phir, Tell how did you manage to spend the whole night in the lake? The water is so cold. As cold as ice. अकबर कह रही, तुम कैसे कर लिए? क्योंकि पानी तो इतना ठंड था जैसे कि बर्फ। There was a fire burning at a distance. I kept my attention fixed on the fire and away from the cold. आदमी कहा कि कुछ दूरी पर आग जल रहा था और मैं अपना सारा ध्यान उस आग के ऊपर केंद्रित किया जिससे मुझे ठंड नहीं लगी। अकबर frowned. You do not deserve a reward. You could stand in the cold lake because the fire kept you warm. अकबर को पता नहीं क्या सूझा, अकबर तुरंत गुस्सा हुआ, कहा कि तुम इनाम के हकदार नहीं हो, तुम आग देख के अपने आप को गर्म रखे इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। The poor man went to Birbal for help. वह गरीब आदमी बीरबल के पास गया और मदद मांगा। The next day Birbal did not go to the court. अगले सुबह बीरबल कोर्ट राज्यसभा में नहीं गया। द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज हाउस टू फाइंड आउट व्हाई। राजा अपने दूत को उसके पास भेजा कि क्यों बीरबल नहीं आया। द मैसेंजर केम बैक एंड सेड दैट द बीरबल इज कुकिंग हिज खिचड़ी। दूत आते हैं और महाराजा धीराज को संदेशा देते हैं कि बीरबल अपनी खिचड़ी पका रहा है। The king waited for hours but Birbal did not come. Finally the king went to Birbal's house to see what he was doing. King Birbal ka bahut intezar karte hain lekin Birbal nahi aaya. Ant mein raja apne kuch mantriyon ke sath Birbal ke ghar pahunchte hain ki aakhir wo kar kya raha hai.
He found Birbal sitting on the floor close to a fire. A bowl of khichdi was kept on the floor. The king and his attendants laughed when they saw this. घर पहुंचते हैं बीरबल के तो उन्होंने क्या देखा, जमीन पर फर्श पर आग जली हुई है, आग के बगल में बीरबल बैठा हुआ है और उसके बगल में एक बाउल में खिचड़ी का सारा सामान रखा हुआ है, खिचड़ी रखी हुई है। और सारे जब इस दृश्य देखते हैं तो राजा और उनके जितने भी मंत्री थे खूब जोर जोर से हंसते हैं। अकबर आस्क्ड, हाउ विल द खिचड़ी कुक इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर। राजा पूछते हैं बीरबल, खिचड़ी कैसे पक सकती है जब ये आग से इतनी दूर है। अब बीरबल आंसर, द सेम वे द पुअर मैन गॉट वार्मथ फ्रॉम अ फायर विच वॉज वेरी फार अवे। बीरबल कहते हैं राजा, उसी तरह ये खिचड़ी पक सकती है जिस तरह दूर आग में देखकर उस आदमी ने अपने आप को गर्म रखा था। राजा को अपनी गलती स्वीकार हुई, उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और उस आदमी को बुलाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के सिक्के इनाम में दिए। इज इट क्लियर?